نبي الله الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين قربان کیوں نہ جائیں اپنی قسمت پر کہ جس
किस्मत में अल्लाह ताला ने जिक्र हुसैन लिख दिया और मुझे और आपको ये तौफीक अता फरमा दी है कि हम अल्लाह के घर में आज जिक्र हुसैन करने वाले हैं। मैं बहुत ममनून हूँ जनाब हाफिज साहब का, जिन्होंने मुझे आज की महफिल में हाजिरी के लिए हुक्म दिया और मैं नहायत अदब से मशहूर हूँ मोहतरम जनाब डॉक्टर मुनीर हुसैन मुस्तफ़ाई साहब और राना मोहम्मद जाहिद मुस्तफ़ाई साहब का, कि जिन लोगों ने मेरे साथ तआवुन किया यहाँ तक तशरीफ़ लाए, और तमाम आप अहबाब जो अपना कीमती वक्त निकाल कर आज मस्जिद में आप तशरीफ़ ले आए हैं। अल्लाह तबारक व तआला हम सब की हाजिरी अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। दो तीन सीधी सीधी बातें करनी हैं, आप मेरी तरफ तवज्जो रखेंगे तो मैं आपको अपनी बात समझा दूंगा। जहाँ तक मुझे याद पड़ता है तकरीबन मेरी और आपकी तीसरी मुलाकात है, और बंदा समझने के लिए एक ही मुलाकात काफ़ी होती है। आप मुझे समझ चुके हैं, मैं आप अहबाब का मिजाज जानता हूँ, इसलिए सादा सादा सी दो तीन बातें करके मैं अपनी बात आपको इंशाअल्लाह समझा कर मुकम्मल करूँगा। कुरान पाक से जो आयत करीमा तिलावत की है तवज्जो मेरी तरफ रखें। अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया वन नजम इज़ा हवा, मुझे कसम है सितारे की। सुभान अल्लाह, ये अल्लाह का कलाम है। रब्बे कायनात ने खुद फरमाया कि मुझे कसम है सितारे की, इज़ा हवा जब वो सितारा नीचे गिरता है। सुभान अल्लाह, मुझे कसम है सितारे की कि जब वो सितारा नीचे गिरता है। इस आयत मुबारका की उलमा ने कई तशरीहें की हैं, कई तफसीरें की हैं। बाज उलमा ने फरमाया कि इस जगह सितारे से मुराद वही एक आम सितारा है जो आसमान पर चमकता है, और अल्लाह ने इसकी कसम इसलिए खाई है क्योंकि जब सितारा टूटकर जमीन पर गिरता है हमें यूं नजर आता है कि वो सितारा टूट गया है और जमीन की तरफ गिर रहा है। हालांकि दर हकीकत मामला ये होता है कि अल्लाह तबारक व तआला के फरिश्ते शैतानों को आसमान पर जाने से रोकते हैं और उनके पीछे वो कोड़ा मारते हैं जो हमें सितारा टूटता नजर आता है, क्योंकि शैतान की पिटाई होती है, शैतान को मार पड़ती है। तो इसलिए अल्लाह ने फरमाया मुझे कसम है उस सितारे की, मुझे कसम है उस सितारे की। बाज़ उलमा ने यह फरमाया कि नहीं, इस जगह पर सितारे से मुराद वो रसूल पाक अलैहिस्सलाम का दिल मुबारक है। सितारे से मुराद कल्बे मुस्तफ़ा है, मेरे करीम आका का दिल मुबारक है। और उस सितारे का गिरना क्या है? उलमा फरमाते गिरना ये है कि रब्बे कायनात ने कसम इरशाद फरमाई वन नजमे इज़ा हवा, मुझे कसम है कल्बे मुस्तफा की कि जब वो मेरे हबीब का प्यारा दिल मेरी इबादत करने के लिए मस्जिद के अंदर आकर मेरी बारगाह में गिर जाता है, मेरी बारगाह में आकर गिर जाता है। फरमाया मुझे उस मोहम्मद के दिल के जमीन पर झुक जाने की कसम है, इसलिए कहा वन नजमे इज़ा हवा। एक तफसीर उलमा ने यह फरमाई है कि इस जगह सितारे से मुराद इमाम हुसैन की जात है। ऐसी सुभानअल्लाह बंद वासित ने सुभानअल्लाह, सितारे से मुराद बोलिए, सितारे से मुराद इमाम हुसैन की जात है। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर।
और अल्लाह तबारक व तआला ने इमाम आले मकाम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की कसम इरशाद फरमाई, वल नज्मे मुझे सितारे हुसैन की कसम है, इजा हवा जब वो सितारा वो हुसैन सितारा इस्लाम को बुलंद करने के लिए नाना के दीन को बुलंद करने के लिए करबला के मैदान से घोड़े से नीचे गिर जाता है, वो करबला के मैदान में घोड़े से नीचे गिर जाता है। रब फरमाता है मुझे उस मंजर की कसम, उस सीन की कसम के वह नज्म इजा हवा के जब वो सितारा हुसैन खुद तो नीचे गिर गया लेकिन नाना के दीन को बुलंद कर गया। अच्छा यहाँ पर थोड़ी तवज्जो करने की ज़रूरत है कि जनाब सितारे से मुराद इमाम हुसैन कैसे हो सकते हैं। सुनिए मैं आपके सामने बुखारी शरीफ की हदीस पेश करता हूँ। मेरे करीम आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया सहाबी कन नुजूम के मेरे सहाबा सितारों की तरह है, मेरे सहाबा सितारों की तरह हैं। मेरे करीम आका ने सारे सहाबा को सितारा कहा है, सारे सहाबा को बोले सितारा कहा है। अच्छा मैं आपसे एक बात पूछता हूँ, चलो आप मेरे साथ शरीक हो जाएंगे। मुझे आप बताइए एक आदमी दूर दराज इलाके से चला है, वो सरकार की बारगाह में हाजिर होता है, सरकार की बारगाह में हाजिर होकर करीम आका के दामने करम से वाबस्ता हो जाता है, ईमान ले आता है, एक दिन या दो दिन सरकार के पास रहता है और उसके बाद फिर वापस अपने इलाके में चला जाता है और दोबारा कभी सरकार से मुलाकात उसको नसीब नहीं होती है और अपने इलाके में उस पर विसाल का वक्त आ जाता है और वहीं वो दफ हो जाता है, बताइए ये सहाबी रसूल है कि नहीं, बोले ना ये सहाबी रसूल है कि नहीं। और मेरे करीम आका ने फरमाया सहाबी का नुजूम मेरे सहाबा सितारों की तरह है, मेरे सहाबा बोले बोले मेरे सहाबा सितारों की तरह है। बस मैं ये मफहूम अर्ज करना चाहता हूँ कि जिस सहाबी ने अपनी सारी जिंदगी में एक दिन या दो दिन भी मेरे करीम आका के पास ईमान की हालत में गुजार दिए वो भी सहाबी है और उसको मेरे करीम आका ने सितारा कहा है। अरे एक या दो दिन तो बड़ी दूर की बात है, जिसने चंद लम्हे आए हाय हाय चंद लम्हे ईमान की हालत में बारगाह मुस्तफा में गुजार दिए वो भी सहाबी है और मेरे आका का फरमान उसके हक में भी है कि वो भी सितारे की तरह है। अरे वो सहाबी जिसने पूरी जिंदगी में चंद लम्हे मुस्तफा की सोबत ली हो मेरे करीम आका उसको सितारा कहें और जिसने दिन रात मेरे मुस्तफा को देखा हो आए हाय जिसने दिन रात मुस्तफा को देखा हो जिसकी परवरिश ही आगोश मुस्तफ़ा में हुई है, जो लाब मुस्तफ़ा को चख कर जवान हुआ है, जो दोश मुस्तफ़ा पर सवारियां करता है, जो सुल्फ मुस्तफ़ा से खेला करता है, आए हाय हाय उस हुसैन को सितारा क्यों ना कहें कि जब सरकार एक आम सिहाबी को सितारा कह रहे हैं तो उस हुसैन को सितारा क्यों ना कहें जिसको मेरे करीम आका ने इतना प्यार किया इतना प्यार किया। आए इब्ने माजा शरीफ की हदीस पाक मुझे याद आ गई है, मेरे करीम आका हदीस सुना दूं आपको, समझ आ रही है बात सुभान अल्लाह। मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक सहाबी ने दावत की और सरकार अलैहिस्सलाम ने उस दावत को कबूल फरमाया और हबीब अलैहिस्सलाम के साथ तकरीबन 10 के करीब और भी सहाबाए इकराम थे और सरकार अलैहिस्सलाम उस सहाबी के घर दावत पर तशरीफ लेके जा रहे हैं। मोहब्बत से सुनने वाली हदीस है, यकीन करें जितनी दफ़ा मैंने इसको पढ़ा है अल्हम्दुलिल्लाह मैं हदीस का तालिबे इल्म हूँ, जामे ज़ुबैर बिन महमूद में हदीस पढ़ाता हूँ और कुछ और इस बात हैं वो पढ़ाता हूँ, तो अहादीस का मुताला रहता है
बार बार तो यह हदीस पढ़ने का मौका मिल जाता है। यकीन कीजिए, ईमानदारी की बात है, जितनी दफा भी इस हदीस को पढ़ा है या बयान किया है, हर दफा इस हदीस ने एक नया लुत्फ और नया मजा दिया। ऐसी ईमान अफरोज हदीस पाक है। आपने यह हदीस बड़ी मर्तबा सुनी है कि सरकार ने फरमाया, हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, कि हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ। यह आपने हदीस सुनी है ना, बड़ी दफ़ा सुनी है, लेकिन आज ये हदीस मैं आपको मुकम्मल सुनाता हूँ। आपने शायद मुकम्मल कम लोगों ने सुनी होगी, मैं मुकम्मल इसका पूरा आपको बायोडाटा बताता हूँ। यह हदीस किस मौके पर सरकार ने कही थी। मेरे करीम आका अलैहिस्सलाम दावत पर तशरीफ़ लेके जा रहे हैं, तकरीबन 10 के करीब सहाबा इकराम साथ मौजूद हैं। मेरे करीम आका जब बाजार से गुजरते हैं, कि मेरे करीम आका अलैहिस्सलाम ने देखा, यंजुरुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे आका अलैहिस्सलाम ने देखा कि अल हुसैना यलअबु फिस्सौत, के इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आप बाजार के अंदर खेल रहे हैं, और मेरे करीम आका बाजार से गुजर रहे हैं। रस्ते में इमाम अली मकाम इमाम हुसैन छोटे हैं और गली के अंदर खेल रहे हैं। मेरे करीम आका अलैहिस्सलाम का अमल देखें, सरकार ने सबको छोड़ा और जल्दी से सरकार इमाम अली मकाम इमाम हुसैन के पास चले गए, और सरकार ने वहां जाकर किया क्या, मेरे करीम आका अलैहिस्सलाम ने अपने दोनों घुटने जमीन पर रख दिए और घुटनों के बल मेरे करीम आका खड़े होकर फबासाता यदाय है, दोनों हाथ इमाम अली मकाम की तरफ बढ़ा दिए हैं। मैं आपसे पूछता हूं, आप साहिबान औलाद यहाँ तशरीफ़ फरमा है, हमारे साथ बड़े मोतबर हमारे इलाके के 10-12 लोग हों और हम किसी अहम काम के लिए जा रहे हों और रस्ते में गली में खेलता हमें हमारा बच्चा नज़र आ जाए, क्या कभी हमारा ये अमल होगा जो सरकार ने किया था? बोलिए ना, नहीं पता नहीं। और फिर उमूम आम तौर पर हमारा उस वक्त क्या अमल होता है? हमारा अमल ये होता है कि अगर हमें बच्चा बाजार में गली में खेलता नज़र आ गया, हमारे साथ 5-6-10-12 बड़े मोतबर इलाके के लोग मौजूद हैं, हमारे साथ चल रहे हैं, तो हम या तो बिल्कुल उसकी तरफ देखेंगे नहीं, या अगर देखेंगे तो बड़ी खामोशी के साथ आंखें निकाल के उसको इशारा करेंगे कि दफा हो जाकर चला जाए, यहाँ के क्यों खेल रहा है, उसको झिड़क देंगे या तो बुलंद आवाज़ से या आंखों में उसको गुस्सा दिखा के उसको वहाँ से भगा देंगे। लेकिन मेरे करीम आका को कितना प्यार है इमाम हुसैन से, मेरे करीम आका कितना प्यार करते हैं, कितनी मोहब्बत करते हैं। मेरे करीम आका अलैहिस्सलाम ने दोनों घुटने बाजार के अंदर बीच बाजार में दोनों घुटने जमीन पर रख कर फबासाता यदाय है, ऐसे दोनों हाथ इमाम अली मकाम की तरफ बढ़ा दिए हैं। अब इमाम हुसैन अभी बचपन है, आप क्या करते हैं? इमाम हुसैन कभी सरकार के बाजू से यहाँ से निकल जाते हैं, कभी यहाँ से नीचे से निकल जाते हैं और मुसलसल मुस्कुरा रहे हैं, कभी इधर से निकल गए कभी इधर से निकल गए, और मेरे करीम आका जरा भी नाराज नहीं हो रहे, इमाम हुसैन का ये प्यार देखकर ये हरकत देखकर मेरे मुस्तफा भी मुस्कुरा रहे हैं। मेरे करीम आका मुस्कुराते जा रहे हैं और यूं हाथ फैला रखे हैं, मुसलसल मुस्कुरा रहे हैं। और देखें, ये ख्याल नहीं आता कि मेरा उधर खाने पर इंतजार हो रहा है, मैं तो दावत पे जा रहा हूँ, यहाँ वहाँ लोग मेरा इंतजार कर रहे हैं, वहाँ तो खाना ठंडा हो रहा होगा, मेरे साथ सफ़ेद दाढ़ियों वाले बड़े बुजुर्ग इलाके के मोतबर सहाबा मेरे साथ हैं और मैं उनको छोड़कर इस बच्चे के पीछे लग गया हूँ। नहीं नहीं, मेरे करीम आका ने जो जज्बात और जिस मोहब्बत का इजहार इमाम अली मकाम से किया है, कुर्बान जाए, मेरे करीम आका अलैहिस्सलाम बाजू ऐसे फैलाकर इमाम हुसैन की तरफ देख रहे हैं, इमाम हुसैन कभी इस तरफ से नीचे से निकल जाते हैं, कभी इस तरफ से नीचे से निकल जाते हैं। आखिर मेरे करीम आका ने दोनों हाथों से इमाम अली मकाम को पकड़ लिया, पकड़ के मेरे करीम आका ने माथे पर बोसा दिया, बोसा देने के बाद मेरे करीम आका ने गोद में उठाकर वहां से वापस आए और सहाबा के मजमे में खड़े होकर, सारे बाजार बड़ा बाजार है, बाजार में सहाबा इकराम के मजमे में खड़े होकर मेरे करीम
करीम आका ने वो तारीख साज जुमला इरशाद फरमाया, ऐ सहाबा मैं इस हुसैन को महज मेरा नवासा ना समझना, बल्कि ये समझ लो हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से। सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, अरे रिसाला, या रसूलल्लाह, हैदरी, या अली, हुसैनियत, जिंदाबाद, यजीदियत, मुर्दाबाद, अरे रिसाला, या रसूलल्लाह। उस मौके पे मेरे करीम आका ने फरमाया, बीज बाजार में और सहाबा इकराम के मजमे में बकायदा तौर पे मेरे करीम आका ने फरमाया, याद रखना हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ। अल्लाह अकबर। तो बात ये चल रही थी कि रब्बे कायनात ने कसम इरशाद फरमाई, वन नज्म इला हवा, मुझे कसम है सितारा हुसैन की कि जब वो सितारा करबला के मैदान में गिरता है, जब वो सितारा करबला के मैदान में गिरता है। मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबाने अक़दस से कुरान की वो आयात भी सादिर हुई हैं कि मेरे करीम आका ने सलातुस्सलाम की ज़ुबान से कुरान की वो आयत के रब्बे पाक ने इरशाद फरमाया, वस्ताइनो बिस्सब्री वस्सला, के ऐ लोगो नमाज से और सब्र से मदद तलब करो। क्या फरमाया? आप मेरी तरफ तवज्जो रखेंगे तो मैं बात आपको सुना सकता हूँ। आप यकीन करें, मेरी आपने कभी किसी को नहीं बताया कि मैं कहाँ से आया हूँ और कितने करके आया हूँ, कितने जाके करने, बस मैं यही अर्ज कर रहा हूँ, मैं तबीयती तौर पर बहुत ज़्यादा थका हुआ हूँ और मेरी तबीयत भी ख़राब है, बस मैं चाह रहा हूँ कि जितनी देर भी हम जिक्र हुसैन करें ज़रा मिलजुल कर और मोहब्बत से जितना आप सुनना चाहेंगे मैं उतना सुनाऊँगा। मेरा कोई ऐसा नहीं कि घंटा पूरा करके जाऊँगा, अगर आप 10-15 मिनट सुनेंगे तो मैं इंशाल्लाह इतना ही सुना के इंशाल्लाह इजाज़त दूँगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, सैयदी मुर्शदी, सैयदी मुर्शदी, गुलाम है गुलाम है, गुलाम ये रसूल में जो हो ना इश्के मुस्तफा, नारा रिसाल। रब्बे पाक ने इरशाद फरमाया, वस्ताइनु बिस्सब्री वस्सला, सबर से मदद तलब करो और दूसरा नमाज से मदद करो, मदद तलब करो। दूसरा क्या फरमाया बोल लेना। अच्छा, नमाज के बारे में बड़े ढीले पड़ जाते हैं, बुलंद आवाज से नमाज का मतलब, नमाज फरमाया, नमाज से मदद तलब करो। क्या फरमाया? नमाज से मदद तलब करो। दो चीजें गिनवाई हैं, बड़ी तवज्जो आपकी चाहूंगा और बड़ा नुक्ता अर्ज करने लगा हूँ। दो चीजों का जिक्र किया, कुरान है अल्लाह का कलाम है कि सबर से मदद तलब करो और दूसरा नमाज से मदद तलब करो। दूसरा क्या? नमाज। आप मुझे बताएं, आप लोग अल्हम्दुलिल्लाह नमाज पढ़ते हैं, मुझे बताएं सबर करना ज्यादा अफजल है या नमाज पढ़ना ज्यादा अफजल है? नमाज पढ़ना। हाँ जी, क्या ज्यादा अफजल है? नमाज पढ़ना। जाहरी बात है नमाज फर्ज है और नमाज का हुक्म तकरीबन 100 के करीब आयात हैं कुरान पाक में जिनमें नमाज का हुक्म आया है। अच्छा, नमाज ज़्यादा अफजल है और इस मौके पर अल्लाह ताला ने दो चीज़ों का जिक्र किया, सबर का, नमाज का। नमाज ज़्यादा अफजल है, तो चाहिए ये था कि नमाज का जिक्र पहले आता, सबर का जिक्र बाद में आता। बात समझ लेना, पूरी तवज्जो करेंगे तो बात थोड़ी मुश्किल है, पूरी तवज्जो करेंगे इंशाल्लाह मेरी जिम्मेदारी, बात समझा के जाऊंगा आपको। दो चीज़ों का जिक्र फरमाया, सबर से मदद तलब करो, दूसरा नमाज से। नमाज हालांकि ज्यादा अफजल है, ज्यादा अफजल है। और इसके आगे क्या फरमाया? इन्नल्लाहा मअस्साबिरीन, अल्लाह सबर करने वालों के साथ है। अल्लाह किनके साथ है बोलें? सबर करने वालों के साथ। हालांकि नमाज ज्यादा अफजल है और ये हमारी अकल ये चाहती है और ये सवाल पैदा करती है, चाहिए तो ये था कि नमाज का जिक्र पहले आता, सब्र का जिक्र बाद में आता, क्योंकि नमाज ज्यादा अफजल है
और जो अल्लाह ने फरमाया इन्नल्लाह माअस साबिरीन, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। होना तो ये चाहिए था कि अल्लाह ताला इरशाद फरमाता इन्नल्लाह माअल मुसल्लीन, अल्लाह नमाज पढ़ने वालों के साथ, लेकिन नहीं, अल्लाह ने फरमाया अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। अल्लाह बोले अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। नमाज पढ़ने वालों का यहाँ पर जिक्र नहीं किया कि अल्लाह नमाज पढ़ने वालों के साथ है। वजह क्या है? उलमा फरमाते हैं कि दर हकीकत वजह यह है कि रब्बे कायनात ने इस मौके पे दर हकीकत करबला का मंजर पेश किया है, करबला का नक्शा खींचा है। करबला के मैदान में एक तरफ हुसैनी लश्कर है, एक तरफ यजीदी लश्कर है। यजीदी लश्कर भी कलमा पढ़ने वाला है, हुसैनी लश्कर भी कलमा पढ़ता है। यजीदी लश्कर अजाने पढ़ता है, हुसैनी लश्कर भी अजाने पढ़ता है। यजीदी लश्कर भी ज़कात देता है, हुसैनी लश्कर भी ज़कात देता है। यजीदी लश्कर भी हज करता है, हुसैनी लश्कर भी हज करता है। यजीदी लश्कर भी नमाज पढ़ता है, यजीदी लश्कर भी नमाज पढ़ता है, हुसैनी लश्कर भी नमाज पढ़ता है। यजीदी लश्कर से सफर ना हो सका, हुसैनी लश्कर ने सफर करके दिखा दिया। इसलिए अल्लाह ने फरमाया इन्नल्लाह माअस साबिरीन, लोगों सुन लो, करबला के मैदान में अल्लाह की मदद यजीदी लश्कर के साथ नहीं थी, बल्कि अल्लाह की मदद हुसैनी लश्कर के साथ। ये लश्कर हुसैनी है कि जिसने सब्र किया और मेरे करीम मौला ने फरमाया इन्नल्लाह माअस साबिरीन, अल्लाह लश्कर हुसैन के साथ है, अल्लाह लश्कर हुसैन के साथ है। अच्छा, यहाँ ये ज़हन में ये एक बात आती है कि कुरान पाक नाजिल हुआ रसूल पाक अलैहिस्सलाम के, सरकार अलैहिस्सलाम का विसाल शरीफ हुआ रबीउल अव्वल में 11 हिजरी को, और वाकया करबला हुआ है 61 हिजरी को, 60 हिजरी को। तो ये तकरीबन वाकया करबला ये पेश आया कुरान के नाजिल होने के 59 साल बाद। देखिए बात समझ आ रही है ना कि करबला का वाकया कब पेश आया कुरान के नाजिल होने के 59 साल बाद। तो करबला के वाक़े से पहले ही कुरान मुकम्मल हो चुका था, तो फिर अल्लाह ताला ने करबला का कैसे जिक्र फरमा दिया? करबला तो अभी तक नहीं आई, करबला का मारका तो हुआ है 59 साल बाद, और कुरान तो पहले ही मुकम्मल हो चुका था, तो फिर कुरान की आयतों में ये वाक़या करबला का जिक्र कहाँ से आ गया, जबकि करबला का वाकया तो अभी पेश ही नहीं आया और कुरान मुकम्मल हो चुका है? तो फिर कुरान के अंदर वाकया करबला का जिक्र कैसे आ गया? ये एक बड़ा सवाल जहन में आता है, लेकिन बड़ा आसान जवाब है और आपको इंशाल्लाह समझ भी आएगा। आप मुझे बताएं कि क्यामत आ गई है? नहीं। हाँ जी नहीं। एक तो वो क्यामत है ना जो हमारे हालात ने बर्पा कर रखी है, अल्लाह ताला हमारे हाल पे रहम करें। ना आज हमारी बहनों की इज्जत महफूज है, ना आज हमारी बेटियों की इज्जत महफूज है, और ना हमारे बच्चे आज बुराई से महफूज हैं। अल्लाह तबारक व तआला हमारे बच्चों को तमाम किस्म के फितना फसाद से महफूज करे। लेकिन मैं उस क़यामत की बात कर रहा हूँ जो दुनिया के आखिर पे आएगी। मुझे बताएं वो क़यामत आ गई है? आपने क़यामत देख ली है? हाँ जी नहीं। तो क़यामत का जिक्र कुरान में है कि नहीं? बिल्कुल। क़यामत का जिक्र कुरान में है कि नहीं? है। क़यामत का जिक्र कुरान में मौजूद है, लेकिन क़यामत अभी तक, क़यामत अभी पेश नहीं हुई, क़यामत अभी रूनुमा नहीं हुई। दर हकीकत बात यह है,
कि अल्लाह तबारक व तआला के पास अज़ली और अबदी इल्म है। अल्लाह तबारक व तआला क़यामत तक और क़यामत से बाद तक जो कुछ भी होने वाला है अल्लाह तबारक व तआला को पहले से मालूम होता है कि क्या क्या वाक़या पेश आने वाला है, कौन कौन क्या क्या करने वाला है। अल्लाह को हर हर चीज का इल्म है। इसलिए जिस तरह अल्लाह ने क़यामत का जिक्र कुरान में किया लेकिन क़यामत अभी पेश नहीं हुई, इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला ने मैदान करबला का और करबला के मार्के का जिक्र भी करबला के मार्के के पेश होने से पहले ही कुरान के अंदर जिक्र फरमा दिया है। नारे तकबीर, नारे रिसाला, नारे तहकीक, नारे हैदरी, नारे रिसाला, नारे। आखिरी बात मैं अर्ज करने लगा, मैंने कहा था दो तीन बातें करूंगा, दो बातें मैंने कर ली हैं और तीस एक हदीस आपको सुनाई और एक पुराने पाक की शायद का भी मफहूम अर्ज कर दिया। तीसरी बात आप सुन लें फिर उसके बाद बात मुकम्मल कर दी। आप बचपन से सुनते आ रहे हैं, मैं भी सुनता आ रहा हूँ, आप भी सुनते आ रहे हैं, बच्चे पढ़ते आ रहे हैं कि करबला के मैदान में पानी बंद कर दिया गया, प्यास की शिद्दत थी, पानी बंद कर दिया गया, पानी पीने नहीं देते थे, पानी इस्तेमाल नहीं करने देते थे, यजीदियों ने पानी बंद कर दिया और प्यास की शिद्दत थी और खैमों के अंदर शहजादगाने खानदान नबूवत वो प्यास के आलम में थे। मैं बड़ा सोचता हूँ कि जिस लश्कर ने या जिन खबीस लोगों ने इमाम अली मकाम पर पानी बंद कर दिया तो क्या उन्होंने खाना पेश किया होगा? बोलिए ना, क्या खाना पेश किया होगा? नहीं। जाहरी बात है जिसने पानी बंद कर दिया तो इसका क्या मतलब है कि दूसरी खाने पीने की चीज़ें उसने दी होंगी? नहीं दी। लेकिन कभी भी आप ईमानदारी से बताएं, ये तो सुनते हैं कि शहजादगान प्यासे थे, कभी आपने ये सुना कि वो भूखे थे? मुझे बताइए कभी आपने सुना कि वो भूखे थे? नहीं, कभी नहीं सुना। और इसकी एक वजह है, रब्बे कायनात ने हमारी तवज्जो ही इस तरफ नहीं होने दी, हमारी तवज्जो ही इस तरफ नहीं होने दी कि भी हम सोचें कि भी शहजादगान भूखे भी थे, शहजादे भूखे थे, शहजादे भूखे थे। नहीं नहीं, हाँ प्यास का जिक्र ज़रूर आता है। इसकी वजह बड़ी बारीक वजह है, आप पूरी तवज्जो करेंगे इंशाल्लाह आपको बात समझ आ जाएगी। हम घर में मौजूद होते हैं और हमारा जो दरवाज़ा बजता है, दरवाज़ा खटखटता है और दरवाज़ा बजने के बाद हमने बच्चे को भेजा भी जाओ बाहर देखो कौन है। एक आदमी था बाहर, उसने कहा कि मैं प्यासा हूँ, मुझे पानी पिलाओ। क्या कहा? हाँ मैं प्यासा हूँ, मुझे पानी पिलाओ। वो बच्चा घर आता है, घर आके आपको कहता है बाहर एक आदमी आया वो पानी मांग रहा है। तो आपने कहा कि नहीं, पानी पिलाना तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है फ्रिज से बोतल दो और ये गिलास लो, धो लेना इसको और दो उसको पानी पेश कर दो। वो आदमी जो भी आदमी आए भाई साहब आप उसको पानी पेश करें, बड़ी अच्छी बात है, पानी पेश कर दिया। थोड़ी देर बाद दरवाज़ा फिर बजता है, दरवाजे पे फिर दस्तक होती है और आप बच्चे को भेजते हैं, बेटा देख के आओ कौन है। बेटे ने दरवाज़ा खोला जी पूछा तो एक बाबा था, वो बोला बेटा मैं सुबह से भूखा हूँ मुझे रोटी दे दो, मैं सुबह से भूखा हूँ मुझे रोटी दे दो। वो बच्चा भाग के जल्दी से आपके पास आता है, कहते हैं अब्बा बाहर एक फकीर आया है मांगने वाला। यहाँ बात आपको समझाऊँगा मैं कि बाहर एक फकीर आया है, बाहर एक मांगने वाला फकीर आया है। अब्बा कहेंगे कि हाँ ठीक अच्छी बात है, खैरात करनी चाहिए, आप किचन में जाओ वहाँ से एक रोटी लो, उसके ऊपर कुछ सालन रखना और जाकर फकीर को दे आओ, जाकर फकीर को दे आओ, जाकर फकीर को दे आओ। जिसने पानी मांगा था हालांकि वो भी सवाल कर रहा है लेकिन उसको आपने फकीर नहीं कहा, ना आपके बच्चे ने उसको फकीर कहा है,
जिसने रोटी का आकर सवाल किया है उसको आप भी फकीर कह रहे हैं, आपका बच्चा भी फकीर कह रहा है। रब्बे पाक की, रब्बे पाक की रहमत को ये मंजूर ना था कि कल क़यामत तक भी कोई ऐसा बंदा पैदा हो जो इमाम हुसैन को फकीर कह सकता हो, जो इमाम हुसैन को फकीर कहे, जो शहजादों को फकीर कहे। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने पानी का जिक्र तो फरमाया और खाने का कहीं जिक्र नहीं फरमाया, और किताबों के अंदर भी पानी का जिक्र आता है कि पानी बंद कर दिया गया था, प्यास की शिद्दत थी, कहीं खाने का जिक्र नहीं आया, क्योंकि पानी के पीने वाले को, पानी मांगने वाले को फकीर नहीं कहा जाता, खाना मांगने वाले को, रोटी मांगने वाले को फकीर कहा जाता है। अल्लाह ताला की रहमत ने ये गवारा ही नहीं किया कि मेरे मुस्तफा के नवासे को कोई फकीर कहे, मेरे मुस्तफा के नवासे को कोई फकीर कहे, ये रब की रहमत को गवारा ही नहीं था। इसलिए कहीं भूख का जिक्र नहीं आया, कहीं भूख का जिक्र नहीं आया कि मेरे मुस्तफा के नवासे को कोई फकीर ना कहे। और फकीर कहो भी तो किसको, जो जन्नत का सरदार है। हाय हाय हाय, फकीर कहो भी तो किसको, जो जन्नत का सरदार है। सरदार फकीर नहीं हुआ करते, सरदार फकीर नहीं हुआ करते, वो जन्नत का सरदार है। इमाम हसन और इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा जन्नत के सरदार हैं, जन्नती जवानों के सरदार हैं, और सरदार फकीर नहीं हुआ करते। इसलिए कहीं भी खाने का जिक्र नहीं आया है कि ये सरदार हैं, और सरदार सरदारी करते ही अच्छे लगते हैं। सरदार हमारे आजकल बड़े कुछ पढ़े लिखे और ब्रॉड माइंडेड लोग इस किस्म की बातें कर देते हैं कि ना जनाब हमें वाकई करबला में इतना ज़्यादा नहीं पढ़ना चाहिए, ये तो दो शहजादों की जंग थी, देखो ना सल्तनत के लिए लड़ रहे थे, और यजीद जो था वो अमीरुल मोमिनीन था। अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह। अब मेरे पास मेरा दूसरा मोबाइल नहीं है, उसके अंदर मैं एक किताब की तस्वीर मैंने उतार ली थी उसके टाइटल की, उस किताब का टाइटल ये था हयात मुबारक सैदना यजीद अलैहिस्सलाम। अस्तग़फ़िरुल्लाह सुम्मा अस्तग़फ़िरुल्लाह। बनौरी टाउन कराची से वो किताब छपी है, और जामिया कराची बनौरी टाउन वाला उसके मदरसे का कोई आलिम था, उसने उस किताब को लिखा है। डूब के मर जाने का मकाम है कि मेरे करीम आका अलैहिस्सलाम के नवासे, कि मेरे करीम ने जिनके बारे में फरमाया हो कि ऐ लोगो याद रखना ये मेरी अहले बैत है, जिसने इसको इज़ा पहुंचाई, इसको तकलीफ पहुंचाई, उसने मुझे तकलीफ पहुंचाई, और जिसने मुझे तकलीफ पहुंचाई उसने अल्लाह ताला को नाराज कर दिया। और ऐसे लाइन और लानती यजीद के मुतालिक अलैहिस्सलाम के लफ्ज़ लिखना और सैयदना कहना, ये हमारी मैं समझता हूँ इल्मी बददियानती है और बदकिस्मती है। उस बंदे को शायद ईमान का वो जायका ही मुयस्सर नहीं आया कि जिस जायके को चख कर मोहब्बत रसूल की बंदा सीढ़ियां चढ़ने लग जाता। अल्हम्दुलिल्लाह हम अनपढ़ सही, हम जाहिल सही, हम निकम्मे सही, लेकिन हम गद्दार नहीं हैं, गद्दार नहीं हैं, ना रसूलुल्लाह के दरबार के हम गद्दार हैं, ना अहले बैत के गद्दार हैं, ना सहाबा के गद्दार हैं। अमाल में कमी कर जाते हैं हम, इबादात में कमी कर जाते हैं, पढ़ने पढ़ाने में कमी कर जाते हैं, लेकिन या अल्लाह तेरा शुक्र है तूने हमें गद्दार नहीं बनाया है, बनाया है तो वफादार बनाया है, रसूलुल्लाह का भी वफादार बनाया है, सिद्दीक अकबर का भी वफादार बनाया है, उमर फारूक का भी वफादार बनाया है, उस्मान गनी का भी वफादार बनाया है, मौला अली का भी वफादार बनाया है, और इमाम हुसैन का भी वफादार बनाया है। हमें खुशी नहीं है इस बात पे, हमें फख्र नहीं है इस बात पे, अल्हम्दुलिल्लाह हम सीना चौड़ा करके कह सकते हैं कि अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने इस दिल के अंदर, इस सीने के अंदर अगर कुछ डाला है तो वो मोहब्बत अहले बैत डाली है, डाला है तो मोहब्बत सहाबा को डाला है, मोहब्बत रसूल को डाला है। अजान मन काफ़ी सारी बातें और करने को दिल चाहता है, लेकिन
हमारा वक्त महदूद सा है। जितनी मैंने बातें आपके सामने पेश की हैं, मुझे उम्मीद है ये सारी बातें आपको समझ आ चुकी होंगी। आप इनको याद रखने की कोशिश कीजिएगा और आगे दूसरे अहबाब जो आज यहाँ नहीं आ सके उन तक पहुँचाने की कोशिश कीजिएगा। अल्लाह तबारक व तआला मेरी और आप सब की हाज़िरी अपनी बात करने कबूल फरमाए। वरना आलिंगा में कोई प्रॉब्लम।